गांव वालों का विश्वास कैसे जीतूंगी मैं? चिरैया को छोड़कर वहां और कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला। लड़ाई लंबी है और मुश्किल भी। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं ना? याद है ना हमने तुमसे क्या कहा था? धीरे धीरे सारे लोग तुम्हारे साथ शामिल होंगे, लेकिन एक चीज है, तुम्हें एक दिए से अनेक दिए जलाने हैं गुंजन। और मौसी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आप सही कह रही हैं मौसी माँ। मौसीमा, मेरा पहला दिया है चिरैया। मैं यहां काम नहीं कर सकता हूं, लेकिन छोड़ू भी कैसे? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया। कर गुंजन को फोन करता हूं। मायन जी, हमसे नाराज मत हुए, हमारी कोई गलती नहीं। आपको हायर करने का प्लान हमारे हस्बैंड का था, उन्हें आपका रिज्यूमे बहुत पसंद आया था। खैर, अब आप इस कंपनी का हिस्सा बन ही गए तो हम बस इतना चाहेंगे कि आपका और हमारा अतीत हमारे काम के बीच में ना आए। मायन जी, हमने बहुत मेहनत करके अपनी जिंदगी संवारी है, प्लीज इसे छेड़िएगा मत। हम बस यही कहने आए थे कि आपका और हमारा रिश्ता एक बॉस और एम्प्लॉय का है, आप दिल लगाकर मेहनत से काम कीजिएगा। साथ ही जिंदगी में ना सही, लेकिन कम से कम यहाँ तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना। मायन जी, ऑल द बेस्ट। एक बार हमने कह दिया ना कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, फिर क्यों आई हो यहाँ? और एक बात सुन लो, चिरैया के बाबू जी गए हैं दूसरे गांव में चिरैया के लिए रिश्ता देखने, इसलिए ना तो हम तुमको चिरैया से मिलने देंगे ना ही यहाँ रुकने देंगे। ठीक है, बस एक बार मुझे उससे बात कर लेने दीजिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मगर हम आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। झूठ मत कहो चिरैया, मैंने तुम्हारी आंखों में वो जुनून, वो उमंग देखी है। एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। आपने जो देखा वो गलत देखा। हमें ना ही कोई बदलाव चाहिए और ना ही कुछ और। पहले ही अपने माँ बाबू जी के लिए कम मुसीबतें नहीं पैदा की हमने? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, चले जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, कोई ना कोई तो मेरा साथ जरूर देगा।
जैसे तुमने दिया था। अब मम्मी यहाँ भी बहुत सारा काम पड़ा है। गोपाल चाचा नहीं है क्या? लो, अगर वो होते तो तुमसे कहती क्या? घर पर कोई नहीं है बेटा। रसोई घर की ट्यूबलाइट गई हो, बस वो लेकर आओ और फिर अपने काम पे लग जाना। शाम को अंधेरा हो जाएगा तो खाना कैसे बनाएंगे बेटा? रचना, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, हम आ रहे हैं। ठीक है। केटी, हमें ना कुछ देर के लिए घर जाना होगा, अर्जेंट है। और तुम्हें जो मैंने एम्ब्रॉयडरी डिजाइन्स का काम दिया था वो पूरा हो गया? हम बस आधे घंटे में आ जाएंगे, उसके बाद रेडी कर देंगे। मिस कर, कभी तुम्हें खाने के लिए ब्रेक चाहिए होता है, कभी तुम्हें घर से कोई काम आ जाता है। आई होप कि तुम हमारे रिलेशनशिप का नाजायज फायदा नहीं उठा रहे। प्लीज केटी, हम ऐसे करना तो दूर, ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। हमें अपने काम पे बहुत गर्व है, इसलिए हम अपने काम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज केटी, ऐसा इल्जाम हम पर फिर कभी मत लगाइएगा। अगर ऐसा ही है तो हम घर नहीं जाएंगे, पहले काम करते हैं। गुड, क्योंकि सबसे पहले काम आता है, बाकी चीजें बाद में। कैरी ऑन। आगे भी दुनिया है, लेकिन इन्हें कौन समझाएगा? मिस्टर कबीर त्रिपाठी, अब हम ही आपको बताते हैं कि हम कितना अच्छा और कैसा काम कर सकते हैं। अब आपको ही हमें मनाना पड़ेगा, देखना। ये राहुल कहाँ गायब हो गया? कहीं मैंने यहां वापस आकर गलती तो नहीं की? क्या कोई भी मुझ नाकामी आपका साथ नहीं देना चाहता है? ना चिरैया ना राहुल, अब करूं तो क्या करूं? रचना, इस डिजाइन में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हमारे पास टाइम नहीं है, सॉरी। अपने बॉस से जाके पूछो ना, बहुत सारा काम है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इसे तो मिस नौटंकी होना चाहिए था। अच्छा मिस गर्ग, इस डिजाइन के लिए कोई दूसरा फैब्रिक यूज करें तो कैसा लगेगा? जो आपको ठीक लगे केटी सर। क्या हुआ, गुस्से में हो? गुस्सा होने की फुर्सत कहाँ, काम जो इतना है। और हाँ, कुछ देर पहले हमारे बॉस ने हमें सीख दी थी कि काम सबसे पहले आता है, नहीं? अच्छा, वैसे फोन किसका था? मम्मी का। क्या हो, सब ठीक तो है ना? आज हमारे घर पे खाना नहीं बनेगा। क्या, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे घर की ट्यूबलाइट खराब हो गई है, और मम्मी ने हमें लाने को कहा था, लेकिन यहाँ काम ही इतना है कि हम नहीं जा पा रहे हैं। बेशक हमारी फैमिली भूखी रहे, इट्स ओके। ठीक है मिस नौटंकी, अभी हम लोग फैब्रिक डाई के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आपके लिए ट्यूबलाइट भी खरीद लेंगे ताकि आपके घर पे खाना बन सके।
क्या तरीका है मनाने का? प्रधान जी का आदेश है, तुम्हें इस गांव में किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। अब भी वक्त है, वापस चली जाओ। अब कहां जाऊं? यहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, चाहे वो प्रधान कुछ भी कर ले। सब अभी लंच टाइम है, सब वर्कर्स खाना खाने गए हैं, आप इंतजार कीजिए, मैं भी खाना खा के आता हूँ सर। तब तक एक काम करते हैं, उस बुकलेट में से एक अलग चूज करते हैं। ब्लू कलर थोड़ा सा डल है, नहीं? ये एक्चुअली हम पहले यूज कर चुके हैं आई गेस। ये वाला शायद अच्छा रहेगा। दिस वन इज नाइस, बट जो फैब्रिक हम यूज कर रहे हैं उसमें ये कलर जाएगा ना। सॉरी केटी, रियली वेरी सॉरी। अब तुम्हारी बारी है। भगवान, मम्मी का फोन,
क्यों ब्लड लेनी बाकी है? तुम तो भूल ही गए थे। अजीब बात है ना माँ, जिस गांव में देवी की पूजा की जाती है उसी गांव में औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। माँ मुझे शक्ति दो, हिम्मत दो, ताकि मैं जो करने आई हूं वो कर सकूं। उस प्रधान के डर से कोई मुझे अपने घर में नहीं रहने दे रहा। अब आप ही बताओ, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। यहाँ क्यों रुकने होगा? हमारा घर तो आ गया, चलो गेट तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं केटी, किसने हमें देख लिया तो क्या कहेंगे? अपनी हालत देखिए, पूरे के पूरे रंगे हुए हैं। एनीवे सब हम चलते हैं, बाय। तो उसमें गलत क्या? हम लोग तो काम ही कर रहे थे ना? हमने कहा ना नहीं, प्लीज अब हम चलते हैं, बाय, कल मिलते हैं। बस 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 रत्ना, क्या है रचना, कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारी राह देख रहे थे कि अभी आओगी अभी आओगी, फिर तंग आकर हम खुद ही चले गए दुकान ये ट्यूबलाइट लेने के लिए। सोचा कि तुम्हारे आते आते तो बात कर रहे हैं, तुम वहाँ क्या देख रही हो? कुछ नहीं मम्मी, I'm really very sorry. वो क्या है कि बहुत सारा काम था, लंच पे क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, इसलिए आने में देर हुई। इसलिए आते हुए रास्ते में ट्यूबलाइट खरीद ली, और बनारस के ट्रैफिक के बारे में तो आप जानती हैं, कितना सारा ट्रैफिक था। BHU के पीछे वाली गली तो पूरी तरह से जैम थी, इसलिए हमें आने में देर हुई। और कुछ नहीं रचना, तुम सीधे क्लाइंट से मिलकर यहाँ आ रही हो? हाँ मम्मी, क्यों? तो क्या इन रंगे हुए कपड़ों में ही तुम सारे शहर में घूम रही थी? ये सब क्या है ये रंग? हाँ? ये कलर? हाँ 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 मम्मी, वो रास्ते में आते आते लगा। वो क्या है ना, कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे तो उन्होंने हम पे फेंका होगा, और हमारा तो ध्यान ही नहीं था। वैसे मम्मी हमें बहुत भूख लगी है, अंदर चलते हैं ना, चलिए। भूख लगी? अभी तुमने कहा कि तुम क्लाइंट के साथ खाने पर मिली थी, फिर तुम्हें भूख कैसे लग रहा है? हाँ, लेकिन क्या है रचना, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हमेशा कहीं खोई हुई रहती हो तुम, हाँ हर चीज भूल जाती हो। खैर छोड़ो, सीमा इस ट्यूबलाइट का इंतजार कर रही है, अंधेरा होने से पहले रसोई घर में लाइट लग जानी चाहिए। चलो अंदर चलो। हे भगवान, ये केटी के वजह से ना एक ना एक दिन प्रोफेशनल झूठे बन जाएंगे, सच।
से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले है माने कभी रूठे, पलकों में अपनी ये तो जीते हैं, जानो ना सच्चे है के झूठे। सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़के, सपने सुहाने लड़क पड़।